जो बीजेपी के लोग जो है जो दिए टिकट, क्या एक भी गरीब का बेटों का टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से? मैं सवाल करूं, अच्छे प्रधानमंत्री आज तक कभी कोई हमारे देश में आए ही नहीं। हम ये करेंगे कि जब तक वो धरती पे रहे वही हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। बीजेपी लालू जी के बनाए हुए प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जैसे आम पब्लिक जा रहा है, कोई भीड़ नहीं है, ट्रेन रोका जा रहा है आधा आधा घंटा, काय भीड़ जुटाने के लिए? ट्रेन से कौन उतरेगा? बुलडोजर लाइन में खड़ा किया जाता कि जाम हो जाए, भीड़ लग जाए, कोई भीड़ नहीं है। मैं ये देखूंगा कि किसका पलड़ा भारी है और तब मैं 1 जून को मतदान अपना करूंगा, वहाँ मत का प्रयोग करूंगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और ऐसे में दोनों ही गठबंधन अपना दमखम आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 चरण का जो चुनाव है, जो मतदान है, वो खत्म हो चुका है और 3रे चरण का चुनाव 7 मई को होना है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बिहार दौरे पर आने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 12 और 13 मई को बिहार में रोड शो करने वाले हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो रोड शो होने वाला है वो बिहार में पहली बार नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ऐसे में पटना की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है, जो रोड शो है, ये कितना प्रभावी रहेगा। साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं वो भी बार बार जनसभा संबोधित कर रहे हैं, क्या उनके डर से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं? आइए पटना की जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मिस्टर विकास कुमार। विकास कुमार, प्रधानमंत्री आ रहे हैं 12 तारीख को पटना, एक पहली बार रोड शो करने वाले हैं। जी जी, क्या कहेंगे? मतलब आज हमारे देश जो इतना ऊपर बढ़ा है, उनके आगे बढ़ा है। आगे बढ़ा है, हाँ। अच्छा। और उनसे अच्छे प्रधानमंत्री आज तक कभी कोई हमारे देश में आए ही नहीं। अच्छा। जैसे कि मनमोहन सिंह थे, आज इनके रीजन में जितना हम लोग पा चुके हैं उनके रीजन में हम लोग नहीं पाए थे। अब इनसे ज़्यादा हम क्या उनके बारे में बताऊँ आपको। और कोशिश हम ये करेंगे कि जब तक वो धरती पर रहें वही हमारे देश के प्रधानमंत्री रहें। जी, पहली बार ही रोड शो कर रहे बिहार में? नहीं, बिहार में करें या दिल्ली में करें या गुजरात में करें, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारे हमारे देश को चलाने में 100% मतलब 20% बेईमानी भी हम मानते हैं उनकी, मतलब वो नहीं किए, उनके लोग कर रहे हैं। हाँ, कहे कि उनकी पार्टी में बहुत से ऐसे लोग जो हैं खाने वाले भी लोग हैं, मगर हमारे जो मंत्री जी के पास कोई तो है नहीं धरती पे। एक पीस अकेला आदमी क्या खाएंगे, वो अपनी तनख्वाह भी नहीं खा पाते हैं वो। पर अभी हमारे भाई साहब बोले कि उनको कोई खाने वाला नहीं है, तो ऐसी 3 करोड़ खर्च महीना में कैसे हो जा रहा है? खाने में कैसे खर्चा हो जा रहा है? और प्लस जो है, आप देखिए कि ये भारतीय जो है, जो बीजेपी के लोग जो है जो दिए टिकट, क्या एक भी गरीब का बेटों का टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से? मैं सवाल करना चाहता हूँ, एक भी गरीब को बेटा का टिकट मिला? नहीं मिला। तो इंडिया गठबंधन में किस गरीब के बेटे को टिकट मिला? हाँ मिला है। हाँ, इंडिया में आपको ये जहानाबाद से है अरुण कुमार चंद्रवंशी, गरीब का बेटा है। इंडिया गठबंधन में बहुत ऐसे नेता है जो गरीब घर से बन चुके हैं नेता, लेकिन बीजेपी नहीं, कांग्रेस के तरफ बीजेपी लालू जी के बनाए हुए प्रोडक्ट को यूज करते हैं। आज बीजेपी में नरेंद्र मोदी तो खुद मतलब काफी स्ट्रगल करने के बाद प्रधानमंत्री बने। अरे जुमलाबाजी करने के बाद बने हैं, स्ट्रगल करने के बाद नहीं, जुमलाबाजी करने के बाद। वो कभी चाय बेचते थे, कभी भीख मांग, हम आज तक यही सोच रहे कि वो करते क्या थे, समझे? तो जुमलाबाजी करते थे और कुछ नहीं। अभी आपका चुनाव में भाषण आया ना, बिहार आ रहा है शायद। हाँ, वो चुनाव के टाइम में शायद 3रा 4थी बार होगा जो बिहार आ रहे होंगे मोदी जी। रोड शो करा रहे इस बार? हाँ हाँ, वो इस बार उनको पता है कि हम हार रहे हैं, तो अभी इस बार उस सारा साम डन भेट पूरा लगाने के चक्कर में देख रहे हैं मंच पे कैसे कैसी बात बोल रही है मोदी जी। बहुत सारे पहले चुनाव से पहले तो बिहार नहीं आते थे मोदी जी, ललटेन और कमल की बात करते। देखिए, ललटेन और कमल जो है तो चुनाव चिन्ह है, समझे? एक उनकी अपनी पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह है और ललटेन अपनी। मोदी जी बोलते हैं ललटेन से मोबाइल चार्ज होगा, मोदी जी आपके कमल से मोबाइल चार्ज होगा, ललटेन से आपको कमल के मुरझा देगा। आज जिनको लगता है कि कमल ललटेन को फोड़ देगा, हम तो कहते हैं मर्द वाली बात, कमल और ललटेन एक साथ रखे, वो कमल के साथ साथ वो रखने वाले को भी कमल ललटेन जला देगा। क्या कुछ कह रहे थे आप? ये रोड शो की बात कर रहे हैं मैडम, तो रोड शो में अभी यूपी में हाल देखे, जहाँ गढ़ है, जैसे आम पब्लिक जा रहा है, कोई भीड़ नहीं है, ट्रेन रोका जा रहा है आधा आधा घंटा, काहे भीड़ जुटाने के लिए? ट्रेन से कौन उतरेगा? बुलडोजर लाइन में खड़ा किया जाता कि जाम हो जाए, भीड़ लग जाए, कोई भीड़ नहीं है।
जैसे आम पब्लिक जैसे जाता वैसा ही आई लो इंडिया गठबंधन के नेता में देखे तो जगह नहीं पा रहा है, कहाँ तक आदमी है हुजूम कोई पता नहीं। इसलिए मोदी हताश हो गए, वो हार मान ले जो बढ़िया है कोई फायदा, जब यूपी में गए बिहार में गए तो कहाँ से जीतेंगे, हार मान ले इस बार। वो कितनों का अब 400 नारा नहीं बोलते, अब खत्म हो गया उनका, 400 पार नहीं होगा, 200 पार हो ही नहीं रहा, 400 पार कहाँ से होगा। समर्थन करने की जरूरत है, हम इंडिया गठबंधन के समर्थन कोई पार्टी रहे हम इसी में, कितना बतोला बाजी हम आज तक 50 साल उम्र हो गया, अरे सुनने दो ना यार, अरे इतना बड़ा जुमलाबाज प्रधानमंत्री हम इतना बड़ा उम्र में देखते ही नहीं है, मुद्दे की बात नहीं करते, खाली हिंदुस्तान पाकिस्तान। अब आया मंगलसूत्र, कभी कह रहे हैं दो भैंस रहेगा तो एक भैंस ले लेगा कांग्रेस, ये दो मकान रहेगा तो एक मकान, ऐसा कभी 55 साल राज किया दो को भैंस ले लिया एगो, दो मकान एगो ले लिया, ये सब बेवकूफ कितना बनेगा बेवकूफ जनता, 10 साल से बेवकूफे बना रहे हैं, 5 किलो अनाज देके समझ रहा कि खैरात दे रहे हैं, अरे हमको रोजगार दो ना, ये खैरात वाला के हम चक्कर नहीं चाहिए। कुछ कह रहे हैं आप, कहना ये चाहते हैं वो कुछ किए या ना किए, आज ये मैं कहना चाहता हूँ उनसे, और ये उनको दिखाया जाए कि हमारे कम से कम शिक्षा विभाग पर ध्यान दिया जाए कि कम पैसे कमाने वाले व्यक्ति को प्राइवेट स्कूल में कहीं हम लोग को नॉर्मलिटी नहीं है। 10 साल में कुछ ना कर तो आपका काट दे तो प्याज छिल दे तो। मोदी जी से हम शिक्षा पे कैसे बात कर सकते हैं, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री खुद अपने भाषण में शिक्षा रोजगार की बात नहीं करते हैं तो जनता क्या बात करेगी, वो अपने भाषण में बस दूसरे को टारगेट करते हैं, 15 साल 20 साल 30 साल पीछे ही ले जाते हैं। अरे भाई प्रेजेंट और फ्यूचर जीना है, हमको 15 साल 20 साल पीछे थोड़ी जाना है। मोदी जी आए हैं बिहार, रोड शो करेंगे 12 तारीख को। मोदी जी आए हैं बिहार, मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे बिहार में उन्होंने 39 सीट्स जीती, जियो पोलिटिकली वो अच्छा काम कर रहे हैं, UCC ला रहे हैं और उनका मैनिफेस्टो अच्छा है, पर हमें बिहार से दिल्ली क्यों जाना पड़ रहा है। मैनिफेस्टो अच्छा लगा, UCC ठीक है, अब वो UCC ला रहे हैं, अब इसराइल पैलेस्टीन पे उनका पैलेस्टीन के सपोर्ट में उन्होंने दिया UN में वो अच्छा है, पर अगर मोदी जी इस बार जीतते हैं ना तो इंडिया गठबंधन का कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ना होने की वजह से जीत रहे हैं। अगर जनता इंडिया गठबंधन को सपोर्ट भी करती है, तेजस्वी यादव सेंटर लेवल पे अपना कोई वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। वो 2 करोड़ नौकरी देने का काम बिहार में करेंगे, लेकिन सेंटर में आने के लिए देश भर में 2 करोड़। आपको लगता है कि देश भर में नौकरी देने के लिए, तेलंगाना में आप जाके देखिए, तेलंगाना में आपको कांग्रेस स्टेट लेवल पे जीत रही है पर वहाँ भी सेंटर लेवल पे वहाँ पे भी सपोर्ट नहीं हो रहा है उसका, और आप तमिलनाडु में देख सकते हैं, दिल्ली में आप जाके देखिए आम आदमी पार्टी का क्या हल हुआ पड़ा है। पर अगर पूरा इंडिया का गठबंधन आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले बनता तो ये हो सकता था कि इंडिया गठबंधन जीत जाए, पर अभी के टाइम पे कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इसमें नहीं दिख रही है। राहुल गांधी खड़े हुए कहें कि हाँ मैं PM पद का दावेदार हूँ, तेजस्वी यादव खड़े फेस नहीं है, हाँ कोई इसका स्ट्रॉन्ग फेस नहीं है। देखिए जहाँ पर हमारे इंडिया गठबंधन का बहुत सारे लीडर है, भाजपा में सिर्फ एक मोदी जी है, जहाँ पर कंपटीशन होगा भाई, यूथ हो जहाँ पर कंपटीशन होगा ना वहीं पर अच्छे काम होगा। 4-5 लीडर है वो सोचेगा मेरा नाम अच्छा हो, मेरा नाम कोई भी बनेगा अच्छा काम करेगा। अब मोदी जी अकेले तानाशाही करेगा, जिस तरह कोरोना वैक्सीन लगवा दिया तानाशाही करेगा, उसी तरह हर जगह में तानाशाही करेगा। मोदी जी आ रहे बिहार में रोड शो करने, 12-13 तारीख को बिहार में ही रहेंगे, तेजस्वी यादव से डर गए क्या? इसमें तेजस्वी से डरने की क्या बात है, तेजस्वी यादव भी जनसभा कर रहे हैं लगातार बिहार में, तो काम ही है कैंपेनिंग करना, तो काम ही है ना। अच्छा। चुनाव है, 7 चरणों में चुनाव है, नहीं प्रचार प्रसार करेंगे तो कैसे जीतेंगे लोग। अच्छा। इसमें डरने डराने की क्या बात है, सब शेर तो लड़ ही रहा है। बिहार में पहली बार रोड शो करा रहे हैं, हाँ तो इसमें क्या आश्चर्य क्या होगा, बिहार क्या देश का हिस्सा नहीं है क्या? बिहार देश का हिस्सा है ना, यहाँ भी चुनाव हो रहा है ना, यहाँ भी कल मतदान है ना, 7 चरणों में यहाँ भी है ना, तो क्यों नहीं करेंगे प्रचार? हाँ 2014-2019 में भी तो चुनाव हुआ था, हाँ उसमें रोड शो नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी करने की, मान लीजिए कि नहीं मतलब मानते हैं किस बार जरूरत, मानता नहीं मैं देखिए समय परिवर्तनशील है, समय पल पल हर क्षण बदलते रहता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं 14 और 19 और जो हुआ वो 2024 में ना हो, या क्यों नहीं हुआ 14 में, क्यों नहीं पहले पैदा हो गया, क्यों ये सब नहीं होता है। कौन गठबंधन मजबूत लग रहा है आपको, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? देखिए जहाँ तक मजबूती की बात है कि संकल्प पत्र घोषणा पत्र है सबका, जैसे एक का राहुल गांधी कल बोले कि मैं आ जाऊँगा अगर प्रधानमंत्री बन जाऊँगा तो पूरे देश में जातीय गणना करवा दूंगा। मोदी ने कहा
कि मैं अगर आ गया तो पूरे देश से जात पात मिटा दूंगा। तो सबका घोषणा पत्र संकल्प पत्र को तोड़ने के बाद बहुत बातें हैं उनमें, मैं ये देखूंगा कि किसका पलड़ा भारी है और तब मैं 1 जून को मतदान अपना करूंगा, वहाँ मत का प्रयोग करूंगा। अच्छा। हाँ जी हाँ, ये सब नाप तोल करने के बाद ही वोट जी जी तोल लूंगा अच्छी तरह से। अच्छा। कि घोषणा पत्र में किसके क्या है और किसके संकल्प पत्र में क्या है, तत्पश्चात मैं अपना जी हाँ। 12 तारीख को प्रधान